माई चैनल, दिस इज भावना, और आज मैं आपके सामने कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल आपको नहीं दूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फेस पैक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। सो मैं सोच रही थी कि आपको भी मैं उस फेस पैक के बारे में बता दूँ। तो उस फेस पैक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नेचर्स की। ये है नेचर्स की लैक्टो ब्लीच टैन रिमूवल क्रीम विथ मिल्क एंड हनी। गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फेस पैक है। मैंने इसे खुद बहुत यूज़ किया और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो इसीलिए आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है वो है मिल्क। मिल्क आप सबको पता है कि हमारी स्किन को क्लिंस करता है, मिल्क बहुत अच्छा क्लिंजिंग होता है हमारी स्किन के लिए। एंड जो हनी होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है एंड हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है एंड हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 1270 एंड जो इसकी एक्सपायर डेट है वो है 1120। मतलब मैं अभी भी इसको 3 ईयर, मतलब 3 साल तक और यूज़ कर सकती हूँ। ये जो था वो एक बॉक्स पैकेज में आया था, बट मैंने वो बॉक्स पैक में से कहीं गुम हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को इसको, 2 से 3 मंथ हो गए। मैं इसे थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, बट आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे एक हफ्ते में या एक वीक में 2 से 3 टाइम्स तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या हमारे हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें है इनरिच विथ मिल्क प्रोटीन्स एंड हनी। दिस ब्लीच क्रीम हेल्प्स रिमूव द एपिडर्मल सन टैन, देयर बाय रिस्टोरिंग द नेचुरल फेयरनेस ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग पिगमेंटेशन ड्यू टू हार्मफुल सन। मतलब जो सन से हमें यूवी रेज जो हमारी स्किन में इफ़ेक्ट करती है उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये उसे रिड्यूस करता है, हमारी जो उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। आपको पता है टैन से हमारी स्किन में बहुत जल्दी रिंकल्स हो जाते हैं, हमारी एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाती है एंड हमें ये पिम्पल्स हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये हमारी स्किन में उस पिगमेंटेशन को एंड उस डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है एंड इट डज़ नॉट ब्लीच द हेयर। मतलब ये ब्लीच क्रीम है बट इसमें कोई भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ये हमारी जो हेयर्स होते हैं उसे बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करती है, ये हमारे स्किन को ब्लीच करती है। एंड इट द ब्लीच हैज़ लेवेंडर ऑयल विच ऑल्सो रेगुलेट द ऑयल बैलेंस ऑफ योर स्किन। मतलब इसमें लेवेंडर ऑयल है जो हमारी स्किन का जो ऑयल होता है उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखती है एंड हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाती है एंड नॉन ग्रीसी है। द मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीच मेक इट सूटेबल, और ये सूटेबल है नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर है। सो इसमें जो है ये हमारी स्किन में बहुत ग्लो लाता है, ग्लोइंग इफेक्ट लाता है एंड ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन करती है, मतलब हमारी स्किन को बहुत इंस्टेंटली ब्राइटन करती है। अगर एंड इसमें है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर करती है, बहुत स्मूथ कर देती है हमारी स्किन को। और इस ब्लीच में जो है ये टोटली अमोनिया फ्री ब्लीच है, मतलब बहुत अच्छा है कि इसमें कोई भी अमोनिया नहीं है तो हमारी स्किन में इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं। एंड इसे हमें यूज़ कैसे करना है, हमें इसे अप्लाई करना है बहुत ही एक लेयर लगानी है हमें अपने फेस पे, देन हमें इसे 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, देन इसे हमें अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा मसाज करके देन इसे वॉश कर लेना है नॉर्मल फेस वॉश से। एंड हाँ, अगर आपको सपोज कहीं इमीजिएटली आपको कहीं पार्टी में जाना है, देन आपने कोई भी फेशियल नहीं किया है, आपने कोई मसाज नहीं करी, आपने कोई भी क्लीनअप नहीं करवाया है एंड आप चाहते हैं कि आपका फेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखे, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये क्रीम लेनी है, देन अपने फेस पे अप्लाई करनी है, उसे रखना है एंड उसे मसाज करके उसे वॉश कर लेना है, देन आप अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे एंड आप खुद अपने फेस पे खुद अपने फेस पे आप डिफरेंस देखना कि आपका फिर जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैंने आपको उसका रिव्यू तो दे दिया, मैं आपको उसका डेमो खुद दिखाऊंगी। अभी मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया एक्सेप्ट लिपस्टिक, बिकॉज लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे। एंड मेरे फेस पे खुद बहुत टैन हो चुकी है क्योंकि मैं काफ़ी धूप में रही है, मैंने सनस्क्रीन कभी कभी भूल जाते हैं, आप सबको पता है, सबके साथ होता होगा कि हम हमेशा तो सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम सनस्क्रीन भूल जाते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फेस पैक से अपनी जो टैन है उसे कैसे रिमूव करेंगे। सो मैं इसे यूज़ करूंगी।
ये इसकी जो पैकेजिंग है वो ही कैसे आती है, फिर आप इसे हटा के इसे ऐसे अप्लाई कर लीजिए। मैंने ये फेस पैक अपने फेस एंड अपने नेक पे अप्लाई कर लिया है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फेस पैक को अप्लाई करें हमेशा उसे अपने नेक पे भी अप्लाई करिए, वरना आपका जो टोन होगा, जो आपके स्किन और आपके नेक का होगा, वो इवन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो इसकी क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है, मतलब बहुत है। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका प्राइस जस्ट 95 रुपीज़ है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड मैं इसे 10 to 15 मिनट के लिए ड्राई करती हूँ, एंड जब भी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे वॉश करके आऊँगी। सो मैं इसे ड्राई करती हूँ, देन मैं आपसे तब मिलती हूँ। सो गाइज, मेरा जो फेस पैक है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, देन मैं इसे थोड़ा सा मसाज करके मैं इसे वॉश कर लूँगी। सो मैं इसे मसाज करती हूँ एंड देन मैं इसे वॉश करके आती हूँ, मैं तब आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं इसे एक टॉवल की हेल्प से पैट ड्राई कर लूँगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, ये फेस पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसने मेरे फेस को बहुत इंस्टेंटली ब्राइटन किया है। ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसे डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी आप सबको कि आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए, ये आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और एंड आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वाला फेस पैक कैसा लगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।